कब तक ऐसे सोचती रहेगी राज के बारे में? चल बात कराती हूँ मैं तेरी राज से। सुबह जब राज कॉलेज के लिए निकलेगा तो तू उस रास्ते पे पहले से खड़े रहना, और जब राज वहां पे आएगा तो तू धीरे धीरे चलने लगना, लेकिन राज के आगे, और मैं राज के पीछे चलूंगी। और जैसे ही वो तेरे पास आएगा मैं उसको पीछे से आवाज दूंगी, तू घूमना और देख लेना अपने राज को, ओके? राज अभी अभी यहाँ से गया है, क्या? जाओ जल्दी। जरा मैं सोनिया को सब सच सच बता देना चाहिए, बेचारी कितनी परेशान है। ठीक है बता देंगे, लेकिन कल। कल क्यों? कल 1 अप्रैल है और मैं सोनिया को अप्रैल फूल बनाना चाहती हूँ। और सोनिया कैसी है? बस यार बोर हो रही हूँ। अच्छा पिक्चर देखने चलेगी? मगर पैसे? तना तूने फिर कोई गड़बड़ की? क्या गड़बड़? ये मेरी खून की कमाई है। मतलब? मतलब क्या? ब्लड बैंक गई, खून दिया, पैसे लिए, जल्दी है तो बोल। नहीं भाई ऐसे पैसे से तो बिल्कुल नहीं, और मोनिका तो जानती है। प्लीज अपना भाषण बंद कर, ओके? भैया से मैं नशा नहीं करूंगी। ऐसे नशे का क्या फायदा जिसमें पता ही ना चले कि क्या मजे किए। और अगले दिन बदन दर्द, सर दर्द। रूप मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज से तुम ही मेरे कवि, मेरे करण, मेरे रोहित। आज मैं जो भी हूँ तुम्हारी वजह से। मोनिका आज मैं भी तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। आज से तुम ही मेरी स्मृति, मेरी आकांक्षा, मेरी निशा हो। वो सब जिनके साथ मेरा रिश्ता रहा। देख मोनिका तेरे लिए इस मैगजीन में क्या छुपा है। क्या? एड्स के बारे में। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं, शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है। एड्स कैसे फैलता है? असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित सुइयों से, पर्याप्त जांच के बगैर खून के आदान प्रदान से। मोनिका इसमें से कोई भी सावधानी ऐसी नहीं जो तूने बरती हो। ठीक है ऐसे डर डर के जीना ना मेरे बस का नहीं है। सही कहती है बेटी, जब प्रॉब्लम होगा ना तब पता चलेगा। तुझे क्या लगता है तू फुल प्रूफ बच जाएगी? बच्चे संभल जा, अभी भी वक्त है। मोनिका ने मुझे मूवी दिखाने का वादा किया था। बिना कुछ किए ही तेरी ये हालत हो गई। तू और तेरा भाषण, अरे कान पका दे। याद है तूने मुझसे कहा था कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें खांसी हो तो इंसान मरे और जुखाम हो तो भी, यानी शरीर बीमारियों से लड़ नहीं पाता। अभी भी वक्त है, सुधर जा, जी ले अपनी लाइफ को। मूवी तो मैं तुझे दिखाऊंगी, पर अब हम दोनों मिलकर मोनिका को सबक सिखाएंगे ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए। अच्छा सुन, शायद मोनिका को एड्स है, सो
सोनिया, ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तुझसे गले मिली थी, उससे एड्स नहीं है। मैंने तेरा रुमाल भी यूज किया था, उससे एड्स नहीं है। मैंने तेरे साथ कोल्ड ड्रिंक भी शेयर की थी, उससे भी एड्स नहीं है। इससे एड्स नहीं होता, उससे एड्स नहीं होता, तो एड्स होता किससे है? शायद तुम भूल गई हो, सोनिया को एड्स नहीं है और मैं असली डॉक्टर। मोनिका, मैंने सचमुच तेरी जांच कराई थी, पर तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बच गई, वरना तेरा भी वही हाल होता। खांसी होती तो तू मरती, जुखाम होता तो तू मरती। अब बता, कौन बनाए प्रिंसिपल, मैं या तू? ये सब तेरी शरारत थी।